मुझे ये मालूम पड़ा कि आपको ये जो दरबार आप लगाते हैं, आपके जो कार्यक्रम होते हैं, अब पूरे देश से निमंत्रण मिल रहे हैं आपको अंतर्राष्ट्रीय। तो आप पहले भी कई बार गए हैं, आगे भी आपको कई सारे निमंत्रण जो है बहुत बढ़ गए हैं। तो आपका दरबार अब और कहाँ कहाँ लगने वाला है, जो भक्त आपको सुन रहे होंगे वो जानना चाहें, यह एक जिज्ञासा है सबके मन में। लगभग पूर्ववत ही संपूर्ण भारत वर्ष में हम जाते रहे, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये टीवी के आने के बाद सबको और उत्सुकता जगी, जो नहीं जान रहे थे वो भी जाने, और लाइव टेस्ट होने के बाद में साच को आँच नहीं जब पड़ी, तब उनके मन में और भाव और श्रद्धा सनातन के प्रति प्रगाढ़ हुई। ये देश का, सनातन का और बागेश्वर बालाजी के चरणों के प्रताप से इस दास का सौभाग्य है। हम जो है प्रयागराज जाएंगे, प्रयागराज में एक दिवसीय दरबार होगा, इसके बाद बागेश्वर धाम पर रहेंगे, फिर टीकमगढ़ जिले में कथा होगी, वहां पर दरबार, जहां जहां कथाएं हैं, दो दो दिन का दरबार पूर्ववत हमारा चलता रहा। उस क्रम में कोई फेरबदल नहीं, कोई नया बदलाव नहीं, जैसी जिंदगी हमारी पहले थी वही जिंदगी आज है, जो संकल्प कल था वो आज है।